में एनआईए रेट की एक्सक्लूसिव जानकारी आपको जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा दिखा रहा है और वो भी ग्राफिक्स के जरिए। सिरसा, नारनौल, यमुनानगर और गुरुग्राम में एनआईए की रेट हुई, कई जगहों पर जारी है। बात अगर सिरसा की करें तो सिरसा के जो तख्तमल गांव बलकार सिंह पर रेड हो रही है, यहां पर बलकार सिंह सिरसा जेल में बंद है। बलकार के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं और बलकार पर धारा 302, 307, 427, 26, 420 बी, 25 ऐसे कई मामले दर्ज हैं। नारनौल में सुरेंद्र पर रेड हो रही है, सुरेंद्र के हुड्डा सेक्टर 4 नारनौल में घर है और यहीं गांव का रहने वाला है वो, मोहनपुर गांव का। रेड के दौरान सुरेंद्र वहां पर मौजूद है, नारनौल में हो रही है ये रेड और उसका एक साला दिल्ली में भी रहता है। बात करें यमुनानगर के जगाधरी की तो तरुण श्रृंगारी पर रेड हो रही है और वो राजाराम कॉलोनी के घर पर जो उसका है तरुण का, वहां पर रेड हो रही है। और कौशलवासी पर भी रेड हो रही थी गुरुग्राम में, जो कि खत्म हो चुकी है। अमित डागर के राजीव कॉलोनी आवास पर गुरुग्राम में रेड हुई। इसके अलावा गैंगस्टर कौशल चौधरी अमित डागर के ठिकानों पर रेड हुई है। देखिए, नारनौल में सुरेंद्र के यहाँ पर, मोहनपुर गांव का रहने वाला है सुरेंद्र और सुरेंद्र के घर पर रेड हुई है। रेड के दौरान सुरेंद्र खुद भी मौजूद था और सुरेंद्र का एक साला दिल्ली में रहता है, दिल्ली पुलिस में काम करता है। सिरसा, नारनौल, यमुनानगर और गुरुग्राम, ये 4 जिले। बलकार सिंह की मैं बात कर रहा था, सिरसा जेल में और बलकार के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। धाराएं देख लीजिए, 302, 307, 427, 26, 420 बी, कई तरह की। और हैप्पी गर्ग पर भी कार्रवाई हो रही है, कुलदीप सिंह पर कई केस दर्ज हैं, डब्बाली का है ये। कुलदीप मोहाली में गिरफ्तार हुआ है और अन्य जानकारी आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं।